सर ये इनके लिफ्ट भी ख़राब है, एस्केलेटर भी ख़राब है, पता नहीं मेंटेनेंस का क्या करेंगे ये लोग। चले हम एस्केलेटर से चलते हैं, बाकी लिफ्ट से सीढ़ियाँ से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर चढ़ने के लिए होता है और ये इन्होंने ख़राब किया। फैज़ अहमद फैज़ मेट्रो स्टेशन एक महीने पहले भी आया था, ये ख़राब थे। जिस तरह हमेशा चीज़ें ख़राब रहती हैं फिर उसी तरह रहती है, मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये H9 सेक्टर है, अभी हमें पता चला जी लिफ्ट सही है, एक बंदा इसमें चढ़कर आया है तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। ये H9 सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर कहलाता है। तो हम यहाँ पर मेट्रो स्टेशन फैज़ अहमद फैज़ मेट्रो स्टेशन, जिसकी एक तरफ H9 सेक्टर है और दूसरी तरफ इसके अपना क्या कहते हैं से H8 सेक्टर है, ये उसका कॉरिडोर है और खूबसूरत मनाजिर है यहाँ से। अपना 9th एवेन्यू तो ये नहीं है लेकिन उसके साइड वाले रोड है। जब हम 87 ये 2000 से पहले सिर्फ यही रोड होता था और अब तो बेतहाशा रोड है। देखें जी यहाँ से ये कॉरिडोर है और कॉरिडोर के दरमियान में टिकट का है। यहाँ से ये 9th एवेन्यू एक तरफ, दोनों तरफ 9th एवेन्यू है और उसके साथ यहाँ से बसेस जा रही हैं और यहाँ पर बस अड्डा भी है इनका, आपको शायद मैं दिखा सकूँ। ये 9th एवेन्यू थी, 9th एवेन्यू ये बस आ रही है इसकी। मैं आपको अच्छे व्यू के लिए बेहतरीन सा व्यू आपको दे सकूँ। तो ये बस यहाँ से दरमियान में से H9 और H सेक्टर के दरमियान में से ये बस रूट है, वहाँ पर बस फुल हो रही है। उसके बाद वो वहाँ से चले चल दीजिए। ये एंट्रेंस है, ये एक एंट्रेंस इनकी बंद पड़ी हुई है। मेट्रो स्टेशन की ज़्यादातर जो एस्केलेटर्स हैं वो ख़राब हैं, चाहे पिंडी में ले लें चाहे इस्लामाबाद में ले लें। तो बस बताने का मकसद ये था कि इनको मेंटेनेंस करनी चाहिए, बूढ़े लोग भी होते हैं तो, ताकि वो अपना सफ़र सही तरीके से जारी कर सकें। खैर जनाब आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था मोबाइल, तो इस वजह से ज़्यादातर फुटेज नहीं बना सका। तो बहुत बहुत तो बस गार्डन है यहाँ, लोग टैक्सी ड्राइवर बैठ के अपना आराम भी करते हैं बहुत और सोते भी हैं, अच्छा लगता है। तो ये आज हमने रिव्यू किया जी फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन का। ये आपको मैं दिखा दूं, ये पहले से एस्केलेटर इसके जी हमेशा से, मुझे पिछले महीने में गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए आया था तब भी ख़राब थे और आज मैं गाड़ी का कार्ड लेने आया हूँ महीने बाद तो तब भी ख़राब है। खैर चीज़ अगर आपके पास आ जाए तो उसको मेंटेन रखना चाहिए, एक दिन हो जाए जी, दो दिन हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। आपका मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।